इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। मानव इतिहास में कई बार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने गलती से कुछ ऐसे बनाया जो आज कई लोगों की जीवन बदल रहा है। आपने फार्मासिस्ट जॉन पेमर्टन के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने अपने फ्रेंच वाइन कोका ड्रिंक दवा के गैर अल्कोहल संस्करण बनाने की कोशिश की, गलती से कोका कोला का निर्माण हो गया। कई आकस्मिक वैज्ञानिक खोजे है जिन्होंने आधुनिक समाज में हमारे जीवन में ऐसे तरीके से बदल कर दिया कि जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पेसमेकर का गलती से 1958 में अमेरिकी इंजीनियर विलियम्स ग्रेडबेज द्वारा आविष्कार किया गया था, जब वह दिल की लय रिकॉर्ड करने के लिए एक वाइब्रेटर का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने गलती से गलत ट्रांजिस्टर को वाइब्रेटर में प्लग कर दिया था। पेनिसिलिन 1928 में पेनिसिलिन के आकस्मिक निर्माण की खोज स्कॉटिश जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने छुट्टी से अपनी प्रयोगशाला में लौटने के बाद की थी। उन्होंने अपने टेफिलोकोसी कल्चर पर एक फफूंदी को उगते हुए देखा, जिसमें उन्होंने मौजूद सभी जीवाणुओं को मार दिया था। यह फफूंदी उस समय की सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक थी और यह बाद में पेनिसिलिन नामक से प्रसिद्ध हुई। माइक्रोवेव 1945 में एक अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने एक दिन देखा कि उनके जेब में कैंडी बार एक सक्रिय रडार में सेंट के सामने खड़े होने पर पिघल गई, जहां रडार मैग्नेट्रॉन बना रहा था। उन्होंने बाद में पॉपकॉर्न के साथ अन्य प्रयोग किए। फिर उन्होंने पहले माइक्रोवेव कुकिंग ओवन का पेटेंट कराया, जिनका नाम रेडारिश था। डायनामाइट स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार बने थे, उन्होंने 1867 में नाइट्रोग्लिसरीन के साथ काम करते हुए एक अत्यधिक अस्थिर विस्फोटक डायनामाइट की गलती से खोज की थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर इसे गेजी लगोर जैसे पदार्थ के साथ मिलाया जाए तो इससे विस्फोटक स्थिर हो जाता है और इसके साथ काम करना सुरक्षित होता है। वायग्रा इन्फेक्शन दोष के साथ अन्य बीमारियों में इलाज के लिए प्रसिद्ध दवा वायग्रा को गलती से फाइजर के दवा में केमिस्टों द्वारा खोजा गया था। मूल रूप से उच्च रक्तचाप और एंजाइम के लिहाज से बनाई गई एक दवा, नैदानिक परीक्षणों से पता चला कि मरीजों को उच्च रक्तचाप या एंजाइम के इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन इससे इरेक्शन दोष के इलाज में लाभकारी निकली। एक्सरे 1895 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विलेम रोइंगटेन ने एक कैथोड ट्यूब का उपयोग करते हुए एक्सरे की खोज की। एक कार्बोडेर स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसे बोरियम प्लासोसिनाइट के साथ पेंट किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने पहला एक्सरे अपने पत्नी के हाथ का लिया, जिसमें वह अपनी हड्डी को देखने के सक्षम थे। विक्लो स्विस इंजीनियर जार्ज डे मेटरल ने 1941 में एक हंटिंग ट्रिम के दौरान गलती से विक्रो की खोज की, जब उन्होंने देखा कि उनकी पेंट और कुत्तों पर फर पर वेड्रोप यानी एक प्रकार का चिपकने वाला पौधा लग गए थे। इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने वर्षों प्रयोग किया और विक्रो के रूप में परिणाम सामने आया। पहला आधुनिक प्लास्टिक 1907 में बेल्जियम में जन्मे अमेरिकी रसायनज्ञ डियो बेकलैंड ने गलती से पहले आधुनिक प्लास्टिक की खोज की थी, जब उन्होंने फिनोल और पाम लाडेहाइड की प्रतिक्रियाओं को जांच की। परीक्षण के दौरान तापमान और दबाव के नियंत्रित करने की गलती के कारण उन्हें पहला मोल्टेबल प्लास्टिक बेकालाइट का निर्माण किया। माचिस अंग्रेजी रसायनज्ञ जॉन वॉकर ने 1826 में दुर्घटनावश पहली बार हरमन माचिस का आविष्कार किया, जब वह आग उत्पन्न करने का एक आसान समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। वह एक रासायनिक मिश्रण के साथ प्रयोग कर रहे थे जिसमें अचानक विस्फोट हुआ, लेकिन इस मिश्रण को मिलाने के लिए वह एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर रहे थे, जिसमें विस्फोट के बाद आग लग गई और बन गई माचिस। लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास 1903 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ एडवर्ड बेनेडिक्स द्वारा लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास का आविष्कार सामने आया। अपनी प्रयोगशाला में काम करते समय उन्होंने ग्लास को गिरा दिया जो सेल्यूलोज नाइट्रेट से ढकी हुई थी। इसकी वजह से ग्लास चकनाचूर नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैस मास्क में इसका पहली बार उपयोग किया गया था।